हेलो एंड गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू देस इंग्लिश स्पीकिंग ब्लॉग। इट इज़ 6 o'clock ऑफ द मॉर्निंग एंड और हम लोग जो है मॉर्निंग वॉक के लिए निकल चुके हैं। ये देख सकते हैं आप लोग, मैं जो है एनएच यानी कि नेशनल हाईवे 31, जिसको NH 31 बोलते हैं, उस रोड पे मैं खड़ा हूँ। आप रोड का व्यू को देख सकते हैं। ये जो है ये रास्ता जो है बेगूसराय की तरफ जाता है और इसके जो अपोजिट साइड में है ये रास्ता खगड़िया की ओर जाता है। और वो देख सकते हैं आप लोग जो कि रेलवे लाइन है जहाँ से एक ट्रेन गुजर रही है, मालगाड़ी। द ट्रेन हैज़ गॉन फ्रॉम द रेलवे लाइन एंड यू कैन सी अभी ज़्यादा सुबह नहीं हुआ है, अभी सूरज ठीक तरह से नहीं निकला है। और देखिए मैं दौड़ रहा हूँ लेकिन मेरा जो है बॉडी और चेहरा ठीक तरह से पता नहीं चल रहा है क्योंकि अभी ज़्यादा उजाला नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई थिंक समथिंग हैज़ बीन हैंग्ड ऑन द बैम्बो। ये जो है बाइकों का पार्ट है, यानी कि ये बाइक रिपेयरिंग शॉप है। आई एम वॉकिंग अलॉन्ग द रोड एंड दिस इज द एज ऑफ द रोड और जो है सूरज का किरण धीरे धीरे निकलने लगा है। आप लोग देख सकते हैं ये खजूर के पेड़ में एक पॉलीथीन लटका हुआ है। ये जो है खजूर के पेड़ से जूस निकाला जा रहा है जिसको तारी बोलते हैं बिहार के लैंग्वेज में। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन ग्रीन टाइप का लग रहा है सारे प्लांट्स रोड के बगल वाले। वीडियो बनाते हैं वहाँ पे लोग देख सकते हैं जो रोड का डिवाइडर होता है वहाँ पर लोग बैठे हैं। टू पीपल आर सिटिंग ऑन द डिवाइडर ऑफ द रोड एंड दिस इज बरकत नर्सरी। ये जो है बरकत नर्सरी है, यानी कि नर्सरी है ये बरकत नाम के किसी आदमी का। चलिए और ये जो रोड के बगल में एक छोटा सा तालाब जैसा लग रहा है, एक्चुअली तालाब नहीं है, वर्षा का पानी जो है इकट्ठा हुआ है। चलिए इसको देखते हैं इसका पास में जाके, लेकिन रास्ता बहुत गंदा है तो मैं नहीं जाऊंगा, इसलिए मैं वापस लौट रहा हूँ। चलिए और आगे देखते हैं कुछ कुछ। ये जो है एक फूल है इस पौधे में, देखते हैं कौन सा फूल है ये। ये तो तोड़ते तोड़ते सारा टूट गया। आई डोंट नो इसका नाम क्या है इस फूल का। और इसमें जो है कुछ फ्रूट्स टाइप के भी लग रहे थे। चलिए उसको देखते हैं तोड़ के ये क्या है। तेरी तो चींटी आ गया बहुत सारा। चलिए इसको इट्स नेम इज बाबा दी ढाबा। वाओ बड़ा डेंजरस नेम। पूरी तरह से सुबह हो चुकी है। अभी थोड़ी देर पहले जब मैं दौड़ रहा था तो मेरा बॉडी क्लियरली नज़र नहीं आ रहा था, बट अभी पूरी तरह से दिख रहा है, आप लोग देख सकते हैं।